स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट मीठी मीठी घिया की बर्फी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं घिया की बर्फी। घिया की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 किलो घिया। इसको हम पहले छील लेंगे। घिया को मैंने यहाँ पर अच्छे से छील कर धो लिया है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। इस तरह से हम घिया को काट लेंगे। अगर आपकी घिया के अंदर मोटे बीज है तो आप उसे इस तरीके से बीज में से निकाल लेंगे। इस तरह से हम घिया को काटेंगे और अगर उसमें बीज होंगे तो आप बहुत इजीली इस तरीके से निकाल लेंगे। मेरी घिया में बीज नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लूंगी। सारी घिया के मैंने यहाँ पर पीसेस कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ले लूंगी एक चॉपर। सारे घिया के पीसेस को मैं इस चॉपर के अंदर डाल लूंगी और इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। सारी घिया को मैंने यहाँ पर अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1 ग्लास दूध। इसको मापेंगे तो इसका वेट 250 ग्राम दूध है। 1 बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है। 200 ग्राम खोए को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और 2 पिंच हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्रीन फूड कलर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी चॉप की हुई घिया। घिया को हम घी के अंदर अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी घिया लग ना जाए। और जब तक हमारा दूध इसमें अच्छी तरीके से मिक्स होके पक ना जाए इसको हम इसी तरीके से पकाएंगे। दूध हमारा यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद भी घिया और चीनी अपना पानी जरूर छोड़ेगी तो इसको हम फिर से थोड़ी देर तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चीनी ने हमारा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। दूध और चीनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से घिया के अंदर मिक्स हो गई है। जब ये इस तरीके से सूखने शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फूड कलर डालने से हमारी बर्फी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि जब हम इसके अंदर दूध डालते हैं तो ये थोड़ी सी वाइट वाइट लगती है। हमारा यहाँ पर कलर बहुत ही अच्छा आया है। यहाँ पर मैंने फूड कलर 2 पिंच डाला है। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर हो तो आप उसकी 3-4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इतना कलर हमारा यहाँ पर बहुत रहेगा। इससे ज्यादा अगर आपने यूज किया तो ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। दूध और चीनी हमारा जब यहाँ पर अच्छे से सूख जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे खोया। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप 200 ग्राम मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी ना हो तो आप जब हम दूध डालते हैं इसमें तो उस टाइम इसके अंदर आधी कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं। अब हम खोए को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से सुखा लेंगे। गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। जब हमारा यहाँ पे बर्फी इस तरीके से इकट्ठी होने लग जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। पेस्ट हमारा यहाँ पर जब इस तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बर्फी हमारी यहाँ पर जमने के लिए तैयार है। इसको हम अच्छे तरीके से मिलाते हुए गैस को बंद कर देंगे और 10 मिनट तक इसको ठंडा होने देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। पेस्ट हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने एक एल्युमिनियम का बाउल ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी थाली ले सकते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पर लगा दूंगी सारे में ऑयल। अब हम इसके अंदर लगा देंगे यहाँ पर बटर पेपर। बटर पेपर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको डायरेक्ट भी इसके अंदर जमा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद हम अपना पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे
और इसको अच्छी तरीके से फैलाएंगे। सारा पेस्ट मैंने यहाँ इसके अंदर डाल लिया है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से प्लेन करके फैला देंगे। जितनी मोटी आपको बर्फी बनानी हो उतनी मोटी लेयर आप यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बर्फी हमारे यहाँ जमकर तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बटर पेपर समेत हम इसको निकाल कर एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हलवाई वाला लुक देंगे हम इसको। हलवाई वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी चांदी का वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता को क्रश कर लिया है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसे बीच में बनाते वक्त भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाऊंगी, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली मेरी यहाँ पर बर्फी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसानी से कट रही है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बर्फी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी बर्फी हमारी तैयार हुई है यहाँ पे बनके। इतनी मोटी लेयर मैंने यहाँ पर बर्फी की बनाई है, आप चाहे तो इससे कम मोटी भी बना सकते हैं। सर्व करने के लिए हमारी बर्फी यहाँ पर तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।